खबर रायपुर से है, जहां नियमितीकरण सहित आधार दर्शन मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारियों ने रैली निकालकर अपना आक्रोश जताया है। कर्मचारियों की इस रैली में उनके परिवार के लोग भी शामिल हुए। बूढ़ा तालाब से सप्रेशाला स्कूल तक रैली निकालने के बाद अनियमित कर्मचारियों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नियमितीकरण के साथ साथ कर्मचारी निकाले गए लोगों की बहाली की भी मांग कर रहे हैं। अनियमित कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं कर रही और दूसरी तरफ उनका उनको वहां से निकाला जा रहा है। नियमितीकरण का नियमितीकरण तो नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे साथियों को निकाला जा रहा है। आज तक पूरे प्रदेश में 5000 से अधिक साथियों को निकाल दिया गया है। हम इन साथियों की वापसी और जॉब सिक्योरिटी के लिए हमने आज का ध्यान का समय किया है। भाई आपने क्या है, चुनाव पूर्व हमसे वादा किया था, लेकिन क्या है उस वादे के खिलाफ आप क्या है विपरीत काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस रैली के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को याद दिलाना चाहते हैं कि आपने आप वादा किया था और उस अपने वादे को आप समय सीमा में पूरा कीजिए। और खबर इंदौर से है, जहां भवर हुआ